कहाँ है आज रामायण के किरदार, आज क्या कर रहे हैं और कैसे दिखते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आज आखिर कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं रामायण के वो किरदार? रामायण के कलाकार आखिर कभी किसी और धारावाहिक या फिर फिल्म में काम करते हुए नजर क्यों नहीं आए? क्या हुआ उनके साथ? चलिए आज आपको उनकी जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी की बात करते हैं। लक्ष्मण का किरदार निभाया था सुनील लहरी ने, मगर शायद इस धारावाहिक में लक्ष्मण बनना उन्हें रास नहीं आया। उनकी जिंदगी इस धारावाहिक को करने के बाद बहुत ही दुखों भरी रही। पिता के निधन के बाद वे काफी मुश्किलों से गुजरे। रामायण धारावाहिक के बाद सुनील लहरी ने कई फिल्में जैसे कि फिर आई बरसात, बहारों की मंजिल में काम किया, मगर जो पॉपुलैरिटी और मजा सुनील लहरी को लक्ष्मण के किरदार में मिला वह दोबारा नहीं मिल पाया, इसलिए सुनील लहरी ने अभिनय से किनारा कर लिया। हालांकि आजकल सुनील लहरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रावण के पुत्र मेघनाथ की। इस किरदार को निभाया था विजय अरोड़ा ने। रामायण धारावाहिक करने के बाद उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले। उन्होंने जीनत अमान के साथ यादों की बारात, आशा पारेख के साथ राख और हथकड़ी जैसी फिल्मों में काम किया, मगर 2 फरवरी 2007 में पेट के कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान श्री राम के चहेते भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकार की, जिसे निभाया था दारा सिंह जी ने। दारा सिंह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे, जिस कारण से हनुमान जी का किरदार उन पर लोगों ने खूब पसंद किया। दारा सिंह ने अपने जीवन में 500 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी और उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि दारा सिंह का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था और वह पंजाब के अमृतसर से बिलोंग करते थे। दारा सिंह को जब रामायण धारावाहिक के लिए चुना गया तब उन्हें ये डर था कि वे इस धारावाहिक में हिंदी बोल पाएंगे या फिर नहीं, मगर उनकी अदाकारी इस धारावाहिक में एक अलग ही लेवल की थी। जब दारा सिंह ने हनुमान जी का रोल प्ले किया था तब वे 60 साल के थे। हनुमान के रूप में दारा सिंह रामानंद सागर जी की पहली पसंद रहे। आपको एक कमाल की बात बताते हैं, जब दारा सिंह हनुमान का रोल प्ले करते थे तो वे दिन में सिर्फ 100 बादाम और 3 नारियल पानी पीकर ही सारा दिन काम करते थे, और ऐसा वे इसलिए करते थे ताकि उन्हें अपना मेकअप बार बार ना उतारना पड़े। 12 जुलाई 2012 को लंबी बीमारी से जूझने के बाद वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। चलिए अब बात करते हैं रावण की। रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने। अरविंद त्रिवेदी जी रावण के रूप में कमाल ही कर गए। हालांकि पहले अरविंद त्रिवेदी जी रावण का किरदार नहीं निभाना चाहते थे। वे इस धारावाहिक में केवट की भूमिका निभाने के लिए ऑडिशन देने आए थे। केवट जो माता सीता और भगवान राम और लक्ष्मण जी को नदी पार कराता है। इतने छोटे रोल की उम्मीद करके आए अरविंद जी को इतना बड़ा रोल मिल जाएगा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस किरदार को निभाने के बाद अरविंद त्रिवेदी जी की टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बन गई। अरविंद त्रिवेदी जी को उन्हें कोई नाम से नहीं बुलाता था, बल्कि लोग उन्हें लंकेश के नाम से ही बुलाया करते थे। लोग अरविंद त्रिवेदी जी के बच्चों को रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कह के बुलाते थे। अरविंद जी ने रावण के रोल से पहले तकरीबन 250 गुजराती फिल्मों में सिर्फ सकारात्मक रोल ही प्ले किए थे, मगर ये एक अकेला ऐसा धारावाहिक था जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया। मगर दोस्तों असली जिंदगी में पॉपुलैरिटी उन्हें रावण के किरदार से ही मिली थी। 83 साल की उम्र में अरविंद त्रिवेदी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में। रामायण में मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण ने निभाया था। अपराजिता भूषण एक्टर भरत भूषण की बेटी हैं। इस धारावाहिक की वजह से अपराजिता भूषण को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि वे अभिनय की दुनिया को अब छोड़ चुकी हैं और वे एक राइटर हैं। अब बात करते हैं श्री राम की माता कौशल्या की। रामायण में जयश्री गणकर ने कौशल्या का किरदार निभाया था। जयश्री कई मराठी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। जयश्री गणकर 2008 में दुनिया को अलविदा कह गई थी। कैकई।
रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में कैकई के किरदार को अभिनेत्री पद्मा खन्ना ने निभाया था। रामायण धारावाहिक में कैकई की भूमिका में पद्मा खन्ना ने जान डाल दी थी। अभिनय की दुनिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी पद्मा ने फिल्म निर्देशक एल सिद्ना के साथ शादी की। दोनों साल 2090 में अमेरिका के न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान राम की। इस धारावाहिक में भगवान राम के किरदार को निभाया था अरुण गोविल जी ने। अरुण गोविल ने लंबे समय तक टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया था, मगर उन्हें भी इसी धारावाहिक ने लोगों के बीच असली पहचान दी। रामानंद सागर जी अरुण गोविल को राम भगवान के किरदार में नहीं चुनना चाहते थे, मगर अरुण गोविल किसी और किरदार को करना ही नहीं चाहते थे। अरुण गोविल ने इस धारावाहिक में काम करने से पहले रामानंद सागर जी के ही एक सीरियल विक्रम बैताल में लीड रोल में काम किया था, जिसमें वह विक्रम के रोल में नजर आए। इससे पहले अरुण गोविल कई फिल्मों और धारावाहिकों में काम कर चुके थे। अरुण गोविल बताते हैं कि राम का किरदार निभाने से पहले वह सिगरेट बहुत पिया करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें दूसरी भाषा में बहुत भला बुरा कह दिया। जब अरुण गोविल को ये पता लगा कि उस व्यक्ति ने ये कहा था कि हम इन्हें भगवान मानते हैं और ये सिगरेट फूंक रहे हैं, तब अरुण गोविल जी ने तुरंत सिगरेट छोड़ दी थी। अरुण गोविल खुद 8 भाई बहन हैं। अरुण गोविल के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम अमन और बेटी का नाम सोनिका है, और वे एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस धारावाहिक की सबसे खास माता सीता के बारे में। आपको बता दें कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक के लिए माता सीता का चुनाव करना चाहा, तो सबसे पहले जूही चावला जी को चुना गया, मगर जूही चावला ने इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब रामानंद सागर जी इस धारावाहिक को बनाने की सोच रहे थे, तब सभी को यही लगता था कि यह धारावाहिक एक घाटे का काम है। शायद इसीलिए जूही चावला ने भी इस धारावाहिक में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में रामानंद सागर जी ने माता सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया को सिलेक्ट कर लिया। दीपिका चिखलिया उस समय तक कुछ बी ग्रेड फिल्मों और कुछ गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने विक्रम बैताल सीरियल में भी काम किया था। दीपिका चिखलिया के लिए मानो ये धारावाहिक किसी चमत्कार से कम नहीं था। दीपिका चिखलिया को जितनी पॉपुलैरिटी इस धारावाहिक में मिली, किसी और धारावाहिक में मिल ही नहीं पाई। लोग उन्हें असल जिंदगी में भी माता सीता ही मानते थे। दीपिका चिखलिया इस धारावाहिक को करने के बाद अभिनय की दुनिया में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने एक बिजनेसमैन हेमंत टोपी वाला से शादी कर ली और अपने पति के साथ ही कॉस्मेटिक का बिजनेस संभालने लगी। दीपिका चिखलिया एक बार बीजेपी की सांसद भी रह चुकी हैं, मगर राजनीति उन्हें कुछ खास रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी। अब वे अपने पति के साथ उनकी कंपनी में काम करती हैं। आजकल वे सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। दोस्तों क्या आपको भी रामायण धारावाहिक पसंद है? तो इन किरदारों के लिए एक लाइक जरूर करें। इस धारावाहिक में आपका पसंदीदा किरदार कौन है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।